जय फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी बोर्ड एग्जाम की बहुत ही बेहतरीन तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों हम लाए हैं बायोलॉजी का बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो, जिसमें दोस्तों हम पूरा पेपर का सलूशन आप सबको आज बताएंगे। पूरा सलूशन हम लेकर आए हूँ दोस्तों, आप सबको हम दिखाऊंगा, पूरा अच्छे से बताऊंगा पेपर की तरह दोस्तों, पूरा दोस्तों एक बाई एक हम आंसर भी इसमें लिखा हूँ सारा दोस्तों आपको मिलेगा। ये दोस्तों 70 में 70 नंबर पक्का कराने के लिए लाया हूँ दोस्तों, आपके साथ दोस्तों बहुत ही बेहतरीन मेहनत किया जा रहा है एग्जाम रोड के माध्यम से। तो दोस्तों अपने एग्जाम रोड चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करेगा और दोस्तों अपने एग्जाम रोड चैनल को दोस्तों बिल्कुल जितना हो सके दोस्तों फैला दो अपने सभी मित्रों में, जिससे दोस्तों हर एक मित्र आप सबका पाके अच्छे से तैयारी अपना कर सके और दोस्तों हमारा भी सपोर्ट हो जाएगा आप सबकी तरफ से। और बिल्कुल दोस्तों आप सब सपोर्ट करिएगा 100% दोस्तों, और मेहनत करेंगे आपके नेक्स्ट पेपर के लिए। चलिए दोस्तों हम यहां पे आप सबको बताते हैं 27 फरवरी को कौन सा पेपर आ रहा है, किस तरह का क्वेश्चन आएंगे। शायद दोस्तों देखिएगा शुरू से लेकर अंत तक जरूर देख लीजिएगा, जिससे दोस्तों आप सबको सारा आइडिया हो सके और दोस्तों आंसर दोस्तों कैसे लिखना है और दोस्तों कौन सा दोस्तों आप सबके पेपर में आएगा सारा दोस्तों आप सबको मिल जाए क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों यहां पे शुरू से लेकर आते तक बताते हैं और दोस्तों यहां भी आप सबको बताता चलूं कि मेरे प्यारे बच्चों कि आप सबको दोस्तों एक बात इतना महत्वपूर्ण हम बताने जा रहा हूं दोस्तों, जिससे आप सबको अपने उन बच्चों से जो बच्चे वीडियो नहीं देखे हैं या दोस्तों नहीं देखेंगे उन सभी से दोस्तों बेहतर नंबर मिलेगा। कौन सा दोस्तों यहां पे टिप्स बताने जा रहा हूं, बस दोस्तों इसमें ये टिप्स है कि यहां पे देखिएगा आवश्यकता अनुसार अपने उत्तर की पुष्टि नामांकित चित्रों द्वारा कीजिएगा। यानी जिस प्रश्न में नामांकित चित्र पूछेगा बनाने के लिए उसको जरूर बनाएगा दोस्तों, उसमें दोस्तों आप सबका अच्छा नंबर मिलता है। यदि 5 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों तो उसमें दोस्तों 3 नंबर फिगर का ही चित्र का ही मिलता है, 2 नंबर थियरी का मिलता है। बच्चे 2 नंबर का लिख के 3 नंबर छोड़ के चले जाते हैं, जिसमें दोस्तों आप सबको 3 नंबर नहीं मिलता। तो दोस्तों बस ऐसे ही फिगर कुछ खींचना रहेगा दोस्तों, खींच खाच के चले आइएगा। आप सबको नहीं पता हो दोस्तों पूरा फिगर के साथ दोस्तों अभी बता रहे हैं किस तरह दोस्तों आप सबको बनाना है सारा दोस्तों क्वेश्चन करके आइएगा। एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है आपको दोस्तों, बिल्कुल एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, यह भी दोस्तों ध्यान देना है, सारे के सारे क्वेश्चन आप सबको करना है। तो दोस्तों चलिए हम शुरू करते हैं। यहां पे दिया गया है दोस्तों नोट में प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित किया गया है। अब देखिए निर्देश में पहला पॉइंट दिया है सभी प्रश्न करना अनिवार्य है और आवश्यकता अनुसार अपने उत्तर की पुष्टि नामांकित रेखा चित्रों द्वारा कीजिए। और दोस्तों यहां पे तीसरा पॉइंट दिया है प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उसके सम्मुख अंकित है, यानी सभी प्रश्न के निर्धारित जो अंक है वो उसके अंकित है उसके सम्मुख। ठीक है, चलिए दोस्तों पहला क्वेश्चन बात करते हैं। यहां पे सही विकल्प के सामने उसकी सही उत्तर का टिक करिएगा। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे दिया हुआ दोस्तों, क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आभासी फल नहीं है, आभासी फल की बात किया है, तो सेब है या स्ट्रॉबेरी है या अखरोट है या आम है। तो दोस्तों इसमें आम जो है दोस्तों या क्या है दोस्तों यह आपका आभासी फल नहीं है। अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या प्रोटीन संश्लेषण के प्रारंभ हेतु प्रारंभ प्रकूट है, बताएगा प्रारंभ प्रकूट क्या है, जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा यूएजी, यूएजी दोस्तों इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर, यही दोस्तों आप सबका सेकेंड ही दोस्तों यहाँ पे आंसर बन जाएगा यूएजी। ठीक है, ये दोस्तों आप सबका राइट आंसर बन जाएगा। अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन ग नंबर, ग नंबर क्या कह रहा है, ग नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव निम्रीकरण करणीय जैव विघटित जिसको बोलते हैं दोस्तों, जैव विघटित जो दोस्तों जिसको बोलते हैं प्रदूषक है, ये पूछा जा रहा है। कह रहा है कौन निम्रीकरणीय जैव विघटित प्रदूषक है ये बताइए। 4 ऑप्शन दिया गया है दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो मेरे प्यारे बच्चों इसमें दोस्तों आप सबका सही हो जाएगा तीसरा ऑप्शन वाहिल मल, ये दोस्तों क्या होता है आपका राइट आंसर होता है यहाँ पे। अब दोस्तों हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों देखिएगा घ नंबर, घ नंबर क्या कह रहा है, घड़ियाल, घड़ियाल पुनर्वास केंद्र कुकुरेल स्थित है, कहाँ स्थित है बताइएगा, लखनऊ में स्थित है, लखीमपुर खीरी में नहीं स्थित है, बनारस में भी नहीं है, प्रयागराज में भी नहीं है दोस्तों, यह कहाँ है, लखनऊ में है। ठीक है, घड़ियाल पुनर्वास केंद्र कुकरेल स्थित है, वो कहाँ पे है दोस्तों, लखनऊ में है। अब हम बात करेंगे दोस्तों आप सबका निश्चित उत्तरी प्रश्न, जो दोस्तों 60 क्वेश्चन होते हैं, क्या होते हैं छोटे छोटे क्वेश्चन, 60 आंसर टाइप क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे टैपिटम कहाँ स्थित है, इसका क्या कार्य है, टैपिटम कहाँ स्थित है, इसका क्या कार्य है, आंसर सुनिएगा, लघु बीजाणुधानी की सबसे भीतरी परत टैपिटम कहलाता है। ठीक है, यानी लघु बीजाणुधानी की सबसे भीतरी जो परत होता है उसी को टैपिटम कहते हैं, इसी परत की कोशिकाएं विकसित होते परागण को पोषण प्रदान करती हैं। ठीक है, वो सब कोशिकाएं जो होती हैं विकसित होते परागण को पोषण पहुंचाने लगती हैं, यह परागण के बाह्य चोल के निर्माण में भी सहायक होती हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन घ नंबर देखिएगा, इसमें क्या कह रहा है, मंडल, अब देखिए मंडल ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, पिछली बार भी आया था, मंडल ने मटर के पौधे में कितनी जोड़ी विपरीत लक्षणों का अध्ययन किया था, तो 7 जोड़ी का, 7 जोड़ी का उन्होंने विपरीत क्या किया था दोस्तों, अध्ययन किया था 7 जोड़ी विपरीत लक्षण का। अब बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे आपका
ख नंबर, किस पैथोजन के कारण हाथी पांव रोगी होती है, यानी दोस्तों किस बीमारी के कारण हाथी पांव जो होता है दोस्तों क्या होता है, उससे इंसान के पैर का दोस्तों सूजन बढ़ जाता है, यानी उनका पैर ये फूल जाता है। ये दोस्तों मच्छर काटने से होता है, ठीक है, मच्छर की वजह से कुछ होता है, एक मच्छर होता है दोस्तों उसी की वजह से होता है हाथी पांव, ठीक है। इसको दोस्तों कौन सी बीमारी होता है, ये पैथोजन होता है, क्या होता है, पैथोजन। इसको दोस्तों जिसको हो जाता है दोस्तों उसका पैर क्या होता है, मोटा हो जाता है, ठीक है, बहुत मोटा हो जाता है, आवश्यकता के अनुसार दोस्तों बहुत ही ज़्यादा हो जाता है, आवश्यकता से ज़्यादा, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा इसका दोस्तों आंसर क्या है, फाइलेरिया, जो फाइलेरिया होता है, फाइलेरिया क्रीमी बुचेरेरिया, ठीक है, बुचेरेरिया बैक्रोप्टी हाथी पाँव उत्पन्न करता है, ठीक है। यह फाइलम जिसे दोस्तों निमेटोडा, ठीक है, निमेटोडा से संबंधित है, थोड़ा सा दोस्तों यहाँ पर वर्ड थोड़ा सा टफ हैं, ये आप सब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये निमेटोडा के संबंधित है दोस्तों, ठीक है, ये बीमारी। अब दोस्तों हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ पे डीएनए में आर क्या है, अब यहाँ पे बताना है डीएनए में आर क्या है, तो डीएनए में आर जो है वो रिपेटिटिव है, ठीक है, ये क्या है, पुनरावृत्त होता है, इसे प्रदर्शित करता है, ठीक है, रिपेटिटिव, ठीक है, रिपेटिव, जिसे दोस्तों रिपीटेड नहीं कहते हैं दोस्तों, रिपीटेड, ये दोस्तों आप सबका हो जाता है, ठीक है, रिपीटिव यहाँ पे लिखा हुआ है। अब दोस्तों देखिएगा नेक्स्ट आप सबका दोस्तों यहाँ पे आप सबका क्या है, निकेतन को परिभाषित कीजिए, किसे, निकेतन को। चलिए देखिएगा निकेतन क्या होता है दोस्तों, भूमिका जिसका एक जाति निर्वहत करती है, पारिस्थितिकी निकेतन कहलाता है, ये आपको ध्यान देना है। अब दोस्तों हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है, देखिए IVF तथा GIFT का पूरा नाम लिखिए, IVF का पूरा नाम होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ठीक है, फर्टिलाइजेशन होता है, जिसे दोस्तों पात्र निषेचन कहते हैं, और जो GIFT होता है वह होता है गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, ये इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों, इसको दोनों याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, दोनों इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ कह रहा है असंग जनन पर एक टिप्पणी लिखिएगा, चलिए इसका आंसर देखिएगा, प्रजनन की वह विधि जिसमें निषेचन के बिना भी भ्रूण का निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं, असंजग जनन कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ग नंबर क्या कह रहा है, टर्नर एवं क्लाइन फिल्टर सिंड्रोम में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है दोस्तों, ठीक है, इसमें कह रहा है टर्नर एवं क्लाइन फिल्टर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, देखिएगा इसमें आप सबको बता दूं, टर्नर सिंड्रोम में जो दोस्तों होता है वो 45 होता है, जो जिसमें 22 जोड़े और दोस्तों यहाँ पे 100 होता है प्लस में, ठीक है। अब यहाँ पे क्लाइन फिल्टर दोस्तों, ठीक है, ये दोस्तों क्लाइन फिल्टर है, क्लाइन फिल्टर 47 होता है, जो दोस्तों 22 जोड़े और दोस्तों यहाँ पे XXY होता है प्लस में, ठीक है। अब दोस्तों हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन घ नंबर देखिएगा क्या कह रहा है, एल्कोहल दुरुपयोग के क्या कुप्रभाव होते हैं, यानी एल्कोहल के दुरुपयोग से क्या प्रभाव होते हैं दोस्तों, यहाँ पूछा जा रहा है, देखिएगा एल्कोहल दुरुपयोग के विघटनकारी और जीव धमकी देने वाली समस्या है, और नशे में चलने बर्बरता हिंसक व्यवहार इत्यादि जैसी समस्याओं से जुड़ा हुआ है, हर कोई समझता है कि सभी शराबी संबंधी समस्याएं खतरनाक होती हैं, यानी जो दारू पीते हैं दोस्तों उनकी जो समस्याएं होती हैं वो बहुत खतरनाक ही होती हैं दोस्तों, क्योंकि दोस्तों जो उनको होता है दोस्तों बहुत ख़राब चीज़ होता है। हम लोग ऐसे ही दोस्तों दारू पीने वालों से नहीं नफरत करते हैं, क्योंकि दोस्तों जो उनकी दिनचर्या होती है, जो दारू पी लेते हैं दोस्तों, तो वो अलग तरीके की एक्टिविटी करने लगते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, जैव विविधता हॉटस्पॉट से क्या आशय है, चलिए हॉटस्पॉट की बात क्या है, ये क्षेत्र जहाँ पर जातीय समृद्धता बहुत अधिक और उच्च स्थानिकता होती है, साथ ही इन पर पारिस्थितिक संकट प्रबल होते हैं वे जातीय अन्य स्थानों पर भी पाई जाती हैं, हॉटस्पॉट कहलाता है, ठीक है, ये दोस्तों इसका राइट आंसर होता है। चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न, जो दोस्तों देखिएगा पहला यहाँ पे दिया है चौथे का, देखिए परागण के प्रकारों का वर्णन कीजिए, परागण के प्रकारों का वर्णन, चलिए आइए हम परागण के दो प्रकार होते हैं, चलिए बताता हूँ यहाँ पे परागण के दो प्रकार होते हैं, पहला स्व परागण, दूसरा दोस्तों पर परागण। अब स्व परागण क्या होता है, चलिए यहाँ पे देखिएगा, देखिए किसी पुष्प के परागण कोष का उसी पुष्प के
वर्तिका अथवा उसी पौधे के स्थित किसी स्थित अन्य पुरुष के वर्तिका तथा स्थान स्थानांतरण स्वपरागण कहलाता है। यह स्वयुग्मन उसी जिसे दोस्तों हम क्या कहते हैं उसी पुष्प के परागण कण द्वारा अथवा सजात पुष्प परागण जिसे दोस्तों अर्थात उसी पौधे पर स्थित किसी अन्य पुष्प के परागण द्वारा हो सकता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसका सेकेंड पॉइंट। सेकेंड पॉइंट है देखिएगा, पुष्प द्विलिंगीय तथा एकलिंगी तथा डोनर व मादा पुष्प अलग अलग पौधे पर लगे होते हैं। ठीक है, लगे हो सकते हैं। अब देखिएगा नेक्स्ट तीसरा नंबर, पुष्प के नर मादा जननांग अलग अलग समय पर परिपक्व होते हैं, यानी उनका समय जो होता है अलग अलग होता है। ठीक है, अब देखिएगा चौथा नंबर, नर तथा मादा भाग प्राय इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं कि उसके पुष्प के वर्तिकाग्र पर न पहुंच सकें। इस तरह से वो क्या होते हैं, वो इस तरह से इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पे हम पांचवा नंबर क्या है, पुष्प प्राय ब्रैकेट में देखिएगा वायु परागित पुष्प के छोड़कर। ठीक है, जो वायु परागित पुष्प होते हैं उनको छोड़कर जो होते हैं वो क्या होते हैं, गंधयुक्त आकर्षक बड़े हैं अथवा यदि छोटे हैं तो समूह में तथा मकरंद युक्त होते हैं। ठीक है, वो क्या होते हैं, मकरंद युक्त होते हैं। अब बात करेंगे छह नंबर इसका, प्लेसेंटा पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। भाई साहब प्लेसेंटा बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, आप देखिए अपरा दोस्तों क्या होता है, गर्भ में स्थित भ्रूण व मातृ ऊतक के बीच का अस्थाई यानी अंतरंग शारीरिक संरचनात्मक व कार्तिकीय संबंध जो भ्रूण को जीवन संबंधित मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर उसके स्वास्थ्य की रक्षा करता है तथा एक अंतःस्रावी ग्रंथ की भांति भी कार्य करता है अपरा कहलाता है। क्या कहलाता है, अपरा कहलाता है। चलिए इसका नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, शरीर की यह एकमात्र ऐसी संरचना है जो दो प्राणियों के ऊतकों से मिलकर बनी होती है। पहला देखिएगा यहाँ पे सेकंड नंबर, मनुष्य के तटस्थरी के आकार का अपरा हीमोकोरियल या अपरा कहलाता है। क्या कहलाता है, हीमोकोरियल अपरा कहलाता है। नेक्स्ट देखिएगा, इस अपराज में भ्रूण की कोरियोनियक विलाई सभी मात्र ऊतकों का पाचन कर लेती हैं और माँ के रक्त के सीधे संपर्क में रहती हैं, यानी जो माँ होती हैं उनके सीधे संपर्क में वो रहती हैं। चलिए बात करेंगे नेक्स्ट अपरा के कार्य क्या होते हैं। देखिएगा अपरा के जो कार्य होते हैं, यहाँ पहला नंबर, अपरा विकसित होते भ्रूण को पोषण तथा ऑक्सीजन प्रदान करता है। सेकेंड पॉइंट, अपरा उत्सर्जन में भी सहायक और इसी के द्वारा उत्सर्जित पदार्थ भ्रूण के रुधिर से विसरण द्वारा माता के रुधिर में चले जाते हैं। तीसरा पॉइंट देखिएगा, अपरा चयनात्मक अवरोधक ठीक है, चयनात्मक अवरोधक की भांति कार्य करता है। यह माता के रुधिर से लाभदायक पदार्थों जैसे पोषक पदार्थ ऑक्सीजन प्रतिरक्षी आदि को तो भ्रूण के रुधिर में प्रवेश कर देता है किंतु हानिकारक पदार्थों व जटिल प्लाज्मा प्रोटीन्स को भ्रूण में प्रवेश करने से रोकता है, लेकिन विषाणु आदि रोग जनक अपरा द्वारा भ्रूण में पहुंच जाते हैं, यानी रोग जनक जो अपरा होता है उसी के द्वारा क्या होते हैं, भ्रूण में पहुंच जाते हैं। अब हम बात करेंगे गण नंबर देखिएगा इसका, गण नंबर क्या कह रहा है, अपूर्ण प्रभाविता तथा सप्रभाविता में विभेद स्पष्ट कीजिएगा। चलिए इसका आंसर देखिएगा, अपूर्ण प्रभाविता जो होता है दोस्तों, अपूर्ण प्रभाविता और सप्रभाविता इस पर आपको अंतर बताना है। तो चलिए अपूर्ण प्रभाविता जो होता है दोस्तों क्या होता है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ठीक है, ये दोस्तों इसमें दो तुलनात्मक लक्षणों के दो लक्षणों के मध्य संकरण कराने पर F1 पीढ़ी में मध्यवर्ती लक्षण प्रकट होता है। सप्रभाविता में तो दोनों लक्षण क्या होते हैं, प्रदर्शित होते हैं। अपूर्ण प्रभाविता में F2 पीढ़ी में जीन रूप तथा हास्य रूप अनुपात 1:2:1 होता है। ठीक है, यह सप्रभाविता के अनुपात 1:1 रहेगा। ठीक है,
अब हम बात करेंगे घ नंबर, देखिएगा घ नंबर क्या है क्वेश्चन दोस्तों, देखिएगा जैव विविधता का महत्व समझाइए। चलिए इसका आंसर देखिएगा जैव विविधता। अब यहाँ देखिए जैव विविधता एक व्यापक संदर्भों वाला शब्द है जिसमें प्रजाति विविधता के साथ साथ अनुवांशिक विविधता व पारिस्थितिक विविधता को भी शामिल किया गया है, साथ ही जीवों की विविधता के सभी प्रतिमान, चाहे वह जीव वन्य जीव हों या घरेलूकृत जीव, सभी जैव विविधता का अंग हैं। वन्य जीव के जंतु या पौधों में पौधे हैं जो घरेलूकृत नहीं हैं, अतः कहा जा सकता है कि वन्य जीव जैव विविधता का ही एक भाग है। जो वन्य जीव होते हैं वो क्या होते हैं, जैव विविधता क्या ही एक क्या होते हैं, भाग होते हैं, कहा जा सकता है। चलिए अब हम आगे बात करते हैं इसका। जैव विविधता से होने वाला लाभों का अध्ययन इन्हीं तीन प्रकार के विभाजित करके किया जा सकता है। कौन कौन से, देखिएगा संकीर्ण लाभ वाले, व्यापक लाभ वाले और नैतिक। अब चलिए पहला यहाँ बात करते हैं औषधीय मूल्य। औषधीय मूल्य में देखिएगा रोगों के उपचार में दी जाने वाली अधिकांश औषधियाँ जैसे मूल रूप से पौधों में प्राप्त हो जाती थी वैश्विक स्तर पर लगभग 25,000 पादप प्रजातियों का उपयोग विभिन्न देशों में विभिन्न परंपरागत चिकित्सा पद्धतियों में किया जाता है। ठीक है, कितना, 25,000, याद रखिएगा। ठीक है, 25,000। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, सी नंबर क्वेश्चन देखिएगा। अब यहाँ पे देखिएगा औद्योगिक महत्व। अब देखिए टिम्बर, पेपर, पल्प, टेनिन, डाई और रेजिन, इत्र व सुगंध, रबर, लुब्रिकेंट्स, बी बैग्स, शहद आदि जो भी जैविक विविधता के ही अंग हैं। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट बी, बी में देखिएगा कृषि महत्व। जैव विविधता में महत्व खाद्य पदार्थ की सूची भी बहुत लंबी है। मनुष्य विभिन्न प्रकार के खाद्यान्न, दलहन, तेलीय बीज और फल, तरकारियां आज जैविक विविधता के ही, जैविक विविधता से ही प्राप्त होते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या है देखिएगा, यहाँ देखिएगा पांचवे का कब, जैव विविधता संरक्षण की विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए। चलिए आंसर देखिएगा जैव विविधता संरक्षण की प्रमुख रूप से दो विधियाँ हैं। चलिए पहला हम बात करेंगे क्या, स्वस्थाने संरक्षण। स्वस्थाने संरक्षण के अंतर्गत विभिन्न जीव जातियों को उनके प्राकृतिक आवास में संरक्षण प्रदान किया जाता है। स्वस्थाने संरक्षण के अंतर्गत निम्न विधियां हैं, कौन कौन से हैं, राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभयारण्य और आप सबका जैव मंडल आगार। ठीक है, ये होते हैं। अब नेक्स्ट होता है पवित्र उपवन एवं झीलें और आपका नेक्स्ट होता है समुदाय एवं संरक्षण आगार। उसके बाद अब हम बात करेंगे सेकेंड नंबर इसका, देखिएगा सेकेंड नंबर क्या है, बायस्थाने संरक्षण। चलिए बायस्थाने संरक्षण देखिएगा, इसके अंतर्गत संकटग्रस्त पादपों एवं जंतुओं को उनके प्राकृतिक आवास से अलग विशेष स्थान पर सावधानीपूर्वक संरक्षित किया जाता है। इसके अंतर्गत निम्न विधियां शामिल हैं, कौन कौन सी हैं आइए हम बताते हैं। यहाँ पे देखिएगा चिड़ियाघर हो गया, वनस्पति उद्यान हो गया, जीन बैंक हो गया, बीज बैंक हो गया और निम्न तापीय संरक्षण हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ख नंबर देखिएगा, ख नंबर क्वेश्चन क्या है, ख नंबर है देखिएगा जैव औद्योगिक का वैक्सीन उत्पादन, जीन चिकित्सा तथा मानव इंसुलिन परिवर्धन निर्माण में योगदान की चर्चा कीजिए। चलिए आंसर देखिएगा, इसमें जैव औद्योगिक का वैक्सीन उत्पादन योगदान प्रभावी कीटों के तीन प्रमुख घटक होते हैं, कौन कौन से, चलिए अब हम एक बार एक बात करेंगे यहाँ पे मेरे पास बच्चों। देखिएगा एक एंटीजन जिसके आधार पर अनुकूल प्रतिरक्षा होती है, दूसरा एक प्रतिरक्षा भावना एवं सहायक एंटीजन विशिष्ट प्रतिक्रिया को प्रबल करने के लिए सहज प्रतिरक्षा प्रणाली को संकेत देने के लिए। ठीक है, थर्ड नंबर है एक वितरण प्रणाली सुनिश्चित करती है कि एंटीजन और सहायक एक साथ ही, ठीक है, एक साथ सही समय और स्थान पर विपरीत किए जाते हैं। ठीक है, वितरित किए जाते हैं, विपरीत नहीं, सॉरी। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट जीन चिकित्सा योगदान। जीन चिकित्सा योगदान में देखिएगा मानव जीन की
पैपिंग कराना, ठीक है, अब मैपिंग कराना। अब नेक्स्ट देखिएगा, व्यक्तिगत जीन्स की पहचान कराना। थर्ड नंबर देखिएगा, अनुवांशिक रोगों का पता लगाना। आपका चौथा नंबर देखिएगा डी नंबर, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, मानव इंसुलिन योगदान देखिएगा। मानव इंसुलिन योगदान क्या है? अग्न्याशय द्वारा उत्पादित इंसुलिन एक आवश्यक हार्मोन है। इसकी मुख्य भूमिका हमारे शरीर में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करना है। इंसुलिन का कार्य देखिएगा, जब शरीर कार्बोहाइड्रेट के भरपूर भोजन को पहुंचाता है, जब शरीर कार्बोहाइड्रेट से भरपूर भोजन पहुंचाता है तो शर्करा जो होता है वो रक्त प्रवाह में छोड़ दिया जाता है, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे, ग नंबर देखिएगा, ग नंबर क्या है मेरे पास बच्चों, मलेरिया परजीवी की चार प्रजातियों के नाम लिखिए। कितने? चार प्रजातियों के नाम लिखना है। अब देखिए, इसके द्वारा उत्पन्न होने वाले मलेरिया के प्रकार का उल्लेख कीजिए। चलिए आज प्रकार भी पढ़ लेते हैं। देखिए, मलेरिया ज्वर प्लाज्मोडियम, ध्यान दीजिएगा, मलेरिया ज्वर प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ परजीवी के कारण होता है। एनोफेलीज मच्छर इस रोग का फैलाता है, यानी इस रोग को कौन फैलाता है? एनोफेलीज, ठीक है। ये दोस्तों इस मच्छर, इसी मच्छर का देन है दोस्तों जो ये मलेरिया रोग फैलता है। चलिए मलेरिया के प्रकार हम आपको यहाँ बताते हैं। चलिए अब यहाँ देखिएगा, सुदम तृतीयक मलेरिया जो होता है, अब देखिए इसके बारे में, इस ज्वर की पुनरावृत्ति 48 घंटे पश्चात होती है, यानी दोबारा हो जाता है यह बीमारी, मतलब बुखार। यह प्लाज्मोडियम वाईवैक्स के कारण होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इसका देखिएगा, सेकेंड दुर्दम तृतीय मलेरिया जो होता है, इसमें उवर, ठीक है, उवर की पुनरावृत्ति 48 घंटे के अंतराल पर होता है। इसे सेरिब्रम या फैल्सीपेरम मलेरिया कहते हैं। यह प्राण घातक हो सकता है। यह प्लाज्मोडियम फैक्सीपेरम के कारण होता है। इसके कारण दोस्तों जो होता है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम के कारण होता है ये बीमारी, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिएगा, तीसरा नंबर, तीसरा नंबर दोस्तों हम थोड़ा सा बताते हैं, अच्छे समझाते हैं, देखिएगा क्या है, चतुर्थक मलेरिया। इसमें ज्वर की पुनरावृत्ति 2 घंटे के अंतराल पर होता है। कितने घंटे पे? 2 ही घंटे में हो जाता है। बाकी सब तो दोस्तों देख रहे हो दोस्तों 48 घंटे पे, ये 2 ही घंटे पे दोस्तों इसका पुनरावृत्ति हो जाता है। यह घातक नहीं होता है। इसमें समक्लिनिकल मलेरिया भी कहते हैं, ठीक है। इसे क्या कहते हैं? समक्लिनिकल मलेरिया भी कहते हैं, या प्लाज्मोडियम मलेरियाई द्वारा होता है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, चौथा नंबर, दैनिक मलेरिया। यह प्लाज्मोडियम परजीवी की एक से अधिक जातियों के संक्रमण के कारण होता है। इसमें ज्वर प्रतिदिन आता है रहता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे घ नंबर, देखिएगा घ नंबर क्वेश्चन क्या है, मानव एबियो रुधिर वर्ग की वंशागत का वर्णन कीजिएगा। चलिए इसका आंसर देखिएगा मेरे पास बच्चों, रुधिर वर्गों की वंशागति मानव में रुधिर वंशागति मेंडल के नियमों के अनुसार होती है। रुधिर वर्ग की वंशागति बहु एक एलील, ठीक है, बहु एलील की का उदाहरण है। इस प्रकार वंशागत 2 या 2 से अधिक एलील्स पर निर्भर करती हैं। चलिए नेक्स्ट छठवां नंबर क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, निम्न पर टिप्पणी लिखिएगा। देखिए टिप्पणी लिखने के लिए दोस्तों बहुत आता है मेरे प्यारे बच्चों, बहुत आता है, टिप्पणी आप सब जरूर तैयार करिएगा। चलिए देखिएगा यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, भ्रूणकोश और दोस्तों यहाँ पे कह रहा है विपुंसन और दोस्तों भ्रूणकोश पे आप सबको टिप्पणी लिखना है। चलिए पहला दोस्तों देखिएगा भ्रूणकोश पे हम आपको बताते समझाते हैं। देखिए पहला यहाँ पे देखो भ्रूणकोश, यह एक अंडाकोर बहुकोशिकीय संरचना होता है। यह बीजांडकाय में फंसी होती है। भ्रूणकोश एक पतली पेक्टिन और सेलुलोज, ठीक, कौन सा दोस्तों, सेलुलोज से बने योनि की झिल्ली से ढका होता है, जो क्रियाशील महाबीजाणु की भित्ति से बनी होती है, ठीक है, बनती है। अब देखिए थोड़ा सा आगे, विपुंसन द्विलिंगी पुष्पों के अंदर परागण प्रस्कुटन के पहले पुष्प तलिका से चिमटी की सहायता से पराकोष को अलग करने की विपुंसन कहते हैं, ठीक है। अब हम ख नंबर देखेंगे, मानव के भ्रूण प्रवर्धन से क्या तात्पर्य है। चलिए अभिप्राय यहाँ पूछ रखा है, चलिए यहाँ बताते हैं आंसर। निषेचित अंड से प्रौढ़ जीव
बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? परिवर्धन विकास कहा जाता है। मानव में भ्रूण विकास की प्रक्रिया में मारूला ब्लास्टुला और गस्टुला राज प्रकट होता है। ठीक है, इसमें समझौते के तीन जन स्तर का निर्माण होता है। इस सीमित जन स्तरों में से शरीर के विभिन्न अंग निर्मित होते हैं। ठीक है, अब हम दोस्तों आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। देखिएगा इसका ग नंबर देखिएगा क्वेश्चन का मेरे प्यारे बच्चों। ग नंबर में क्या कह रहा है? सिकल सेल एमीनिया। ठीक है, जिसको दोस्तों यहाँ पे देखिएगा ब्रैकेट में लिखा हुआ है दात्र कोशिका अरक्तता। ठीक है, अरक्तता पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिएगा। टिप्पणी दोस्तों बहुत आपके पेपर में पूछता है दोस्तों, लगभग 6 टिप्पणियां दोस्तों आप सबको लिखने के लिए बिल्कुल मिलेगा। कितने? 6 टिप्पणियां आप सबको लिखने को मिलेगा। चलिए इसका देखिएगा। सिकल सेल एमीनिया वंशानुगत बीमारियों को जो लाल रक्त कोशिकाओं को कठोर सिकल आकार देने के कारण नष्ट कर देता है। इस रोग की विशेषता क्रोनिन, ठीक है, क्रोनिक एनीमिया, थकान, पीली त्वचा और सांस की तकलीफ के कई लक्षणों का साथ साथ संक्रमण पीलिया और यहाँ पे आँखों की अन्य समस्याएं, देर से विकास और पेट हड्डियों में गंभीर दर्द ऐसी एपिसोडिक संकट के लिए संवेदनशीलता है। ठीक है, ये आप सबको ध्यान में रखना है। अब बात करेंगे दोस्तों इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिएगा। बायोगैस के उत्पादन में सूक्ष्म जीवों की भूमिका का वर्णन कीजिएगा। बायोगैस के उत्पादन में सूक्ष्म जीवों का क्या भूमिका होता है, यह इसका दोस्तों बहुत अच्छे से यहाँ पर बताना है। चलिए देखिएगा, बायोगैस गोबर गैस यह कई गैसों का मिश्रण है, जैसे CO2, H2S तथा CH। इसमें सबसे अधिक मात्रा में मीथेन होता है। क्या होता है? मीथेन होता है इसमें सबसे अधिक मात्रा में। यह अवायवी, ठीक है, अवायवीय जीवाणु द्वारा अवायवीय वातावरण में मेथेजोन जीवाणुओं द्वारा उत्पन्न होती है। मेथेनो बैक्टीरिया इसमें से एक है। इसे गोबर गैस संयंत्र में तैयार किया जाता है। इसके लिए गोबर की सुरली का उपयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम। अब यहाँ देखिएगा, ग्रामीण क्षेत्रों में गोबर गैस का उपयोग ईंधन तथा प्रकाश उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। उपयोग की गई सुरली का उपयोग जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है। अब हम बात करेंगे विस्तृत उत्तरी प्रश्न, जो दोस्तों लॉन्ग क्वेश्चन आता है आप सबके पेपर में, पूरे अच्छे अच्छे नंबर के दोस्तों, 7-7, 8-8 नंबर के क्वेश्चन। चलिए विस्तृत उत्तरी प्रश्न 7वां नंबर देखते हैं। मनुष्य में मादा जनन तंत्र का वर्णन कीजिएगा। आंसर या दोस्तों आप सबको इसका आंसर आप सबको हम दे देंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, या दोस्तों आपको आखिरी में इसमें देंगे। चलिए आइए दोस्तों 8वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा। दोस्तों 8वां नंबर क्वेश्चन जो है दोस्तों देखिएगा, वंशागत के गुणसूत्र का सिद्धांत। चलिए वंशागत यहाँ दोस्तों देखिएगा, वंशागत गुणसूत्र के सिद्धांत का वर्णन कीजिएगा। तो वंशागत गुणसूत्र का सिद्धांत सन 1990 में डिब्रिज कारेंज तथा शेरमाक ने स्वतंत्र रूप से लक्षणों का वंशागत संबंधित मेंडल के सिद्धांतों का फिर से खोज किया, क्योंकि इस समय तक कोशिका विभाजन का ज्ञान हो चुका था। इस समय तक कोशिका विभाजन द्वारा द्विगुणित से अगुणित संरचना में परिवर्तन होने का गुण रखने वाले क्रोमोसोम्स की खोज हो चुकी थी। ठीक है, चलिए थोड़ा सा ऊपर चलते हैं। इसके साथ साथ क्रोमोसोम में अन्य गुणों की भी पता चल चुका था और यह पाया गया कि गुणसूत्र के गुण मेंडल के बताए गए कारक जीन के समान गुणसूत्र जीन के समान युग्म में पाए जाते हैं। एक जीन के एक एलीन समजात गुणसूत्रों के एक साथ पर एक स्थान पर स्थित होते हैं। सटन एवं बावेरी ने यह भी बताया कि क्रोमोसोम युग्म का बनने या अलग होना गुणसूत्र पर लगाए गए कारकों के विसंयोजन के कारण होता है। अतः इन्हें इस घटना को मेंडल के सिद्धांत के साथ जोड़ा और वंशागत का क्रोमोसोमवाद प्रस्तुत किया है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट इसका दोस्तों पॉइंट वाइज पढ़ेंगे। देखिएगा,
इस सिद्धांत के प्रतिपादन के बाद थॉमस हर्ट मॉर्गन एवं उनके साथियों ने इसका प्रयोगशाला उत्पादन सॉरी प्रयोगशाला सत्यापन किया एवं जनन उत्पादन विभेदन की नींव डाली। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है दोस्तों, देखिए लिंग सहलग्न जीवों के अध्ययन के लिए मॉर्गन के फल मक्खियों में द्विशंकर क्रॉस कराएं, जो कि मेंडल द्वारा मटर के पौधे पर किए गए द्विशंकर क्रॉस के समान था। चलिए मॉर्गन ने पीले शरीर एवं श्वेत आंखों वाली मधुमक्खियों का संकरण भूरे शरीर वाली एवं लाल आंखों वाली मधुमक्खी के साथ किया। प्रथम पीढ़ी संतति का स्वयं संक्रमण कराया और पाया कि द्वितीय पीढ़ी संतति की जीनोटाइप जो जीन टाइप होता है वो 3:9:3:3:1 से पूर्ण रूप से भिन्न है एवं देखिएगा जीन जोड़ी एक दूसरे से विसंयोजित नहीं होती। इस घटना के बाद यह पता लगाया कि दो जीन जुड़ियां एलील एक ही क्रोमोसोम पर स्थित होती हैं। इस घटना को क्या कहा जाता है, सहग्रथा नाम दिया गया, सहलग्रथा नाम दिया गया। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ पे नौवां नंबर जो कि दोस्तों आप सबका क्या है, आखिरी क्वेश्चन है। अब हम बात करेंगे आरडीएनए। आरडीएनए क्या होता है, चलिए आरडीएनए तकनीकी पर एक निबंध लिखिए। आरडीएनए तकनीकी पर एक निबंध लिखना है मेरे पास जो, चलिए मेरे प्यारे बच्चों अच्छे से यहाँ पे देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप सबसे दोस्तों जरूर पूछा जाएगा। चलिए देखिएगा, अब यहाँ पे आरडीएनए पुनः संयोजक तकनीकी एवं ऐसी तकनीकी जहाँ एक जीव के चयनित डीएनए को दूसरे जीव के डीएनए के साथ संयोजित कराने के लिए दाता की आनुवंशिक क्षमता प्रदान की जाती है। डीएनए तकनीकी की प्रक्रिया शामिल बुनियादी कदम इस प्रकार है, कैसा है, पहला देखिएगा जीनोमिक डीएनए को डोनर से अलग किया जाता है। दूसरा यह जो एंडोन्यूक्लियोलेजेस जैसे प्रतिबंधक एंजाइमों का उपयोग करने से डीएनए खंडित हो जाता है। एंडोन्यूक्लियस एंडाइंस एंजाइम को आणविक होता है, आणविक कैंची के रूप में जाना जाता है, क्योंकि वांछित स्थान पर डीएनए के टुकड़े में निकलकर उत्पादन करते हैं। अब बात करेंगे इसके तीसरे पॉइंट का। तीसरा पॉइंट जो है दोस्तों इसमें देखिएगा, निकाले गए टुकड़ों में को वांछित जीन के लिए जांचा जाता है। चौथा पॉइंट, वांछित जीन वाले डीएनए के टुकड़े एक क्लोनिंग वेक्टर से डाले जाते हैं। क्लोनिंग वेक्टर एक प्लाज्मिड कास्मिड एवं या दोस्तों एक फिड डीएनए भी हो सकता है। यह सम्मिलित पुनः संयोजक डीएनए या डीएनए जिसे काइमेरिक डीएनए भी कहा जाता है बनता है। चलिए पांचवा नंबर देखिएगा, पुनः संयोजक वेक्टर को एक सक्षम मेजबान सेल्स में पेश किया जाता है, ठीक है। अब इसका देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट छठवां नंबर, इन कोशिकाओं के बाद डीएनए के वांछित टुकड़े की कई प्रतियां या क्लोन प्राप्त करने के लिए सुसंकृत किया जाता है। आठवां नंबर देखिएगा, इन प्रतियों का उपयोग उपयुक्त मेजबान सिकाओं को बदलने के लिए की जाती है जो वांछित जीन में व्यक्त करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों यहीं तक दोस्तों यह वीडियो था, आप सबको यह वीडियो कैसा लगा दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। कंप्लीट वीडियो था मेरे पास बच्चों, आप सबके लिए बहुत ही मेहनत किया जाता है मेरे पास बच्चों, इसलिए दोस्तों अपने चैनल एग्जाम रूट को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और हाँ अपने सभी मित्रों में जरूर शेयर करिएगा, जिससे दोस्तों आप सबको इस तरह का वीडियो मिलता रहे और सभी बच्चों की तैयारी भी एक बेहतरीन तरीके से हो सके। दोस्तों आप सबको दोस्तों अच्छा लगा हो तो गुड़ा लाइक दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे दोस्तों हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत वंदे मातरम भारत माता की जय।